और एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी की कुंडा सीट से विधायक राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को पुलिस प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। अब वो मुहर्रम तक घर में नजर बंद रहेंगे। उदय प्रताप सिंह दरअसल मुहर्रम के दिन भंडारे का आयोजन करते हैं। कुंडा से एमएलए राजा भैया के पिता को नजरबंद किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें उदय प्रताप सिंह को नजरबंद किया गया है। दरअसल मुहर्रम के दिन भंडारे का आयोजन करते हैं और जिस रास्ते से ताजिया निकलता है उस रास्ते पर हनुमान मंदिर में पाठ भी होता है। मोहम्मद गुफरान मेरे सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। मोहम्मद, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए कुंडा से जो विधायक है राजा भैया, उनके पिता उदय प्रताप सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया है। इसके पीछे की वजह है मुहर्रम का जुलूस। दरअसल शेखपुर गांव जो कुंडा इलाके में पड़ता है वहां से ताजिए जो है वो निकलते हैं, ऐसे में उसी रास्ते पर हनुमान मंदिर पड़ता है और वहां पर राजा भैया के जो पिता है उदय प्रताप, उनकी तरफ से एक भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस लिहाज से उनको हाउस अरेस्ट किया गया है ताकि दोनों समुदाय के लोगों का किसी तरीके का टकराव के हालात ना बने, खास करके जुलूस के दरमियान जब मुहर्रम का निकले तो उस दरमियान कोई अव्यवस्था ना उत्पन्न हो। इस लिहाज से राजा भैया के जो पिता उदय प्रताप सिंह है उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, उनके जो भद्री महल है उसी में हाउस अरेस्ट किया गया है। इस बात की जानकारी खुद उदय प्रताप सिंह ने ट्वीट करके भी दी है और पुलिस फोर्स जो है उनके घर के बाहर तैनात कर दी गई है। जी बिल्कुल। और मोहम्मद गुफरान, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं मुहर्रम के जुलूस को लेकर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या वजह मानी जा रही है कि इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी है? इस एक्शन को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही है? देखिए मुहर्रम का जो जुलूस है वो 17 तारीख को एक तरीके से संपन्न होगा, 17 जुलाई को, लेकिन हर साल मुहर्रम का जब समय आता है तो ये जो उदय प्रताप सिंह है वो एक भंडारे का ऐलान करते हैं और इलाके का जो एक मंदिर है हनुमान मंदिर वहीं पर ये भंडारे का आयोजन का ऐलान करते हैं और हर साल ये चीजें देखने को मिलती हैं जब राजा भैया के जो पिता उदय प्रताप सिंह है उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है। प्रशासन की कोशिश ये होती है कि दोनों समुदाय के लोग अगर एक जगह पर इकट्ठा होंगे तो टकराव के हालात बनेंगे, सांप्रदायिक एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया गया है। शुक्रिया मोहम्मद गुफरान ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।